हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है वेज मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल में ये जो है कैबेज पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है मिक्सी में चला के। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ग्रेट हो चुका है ये। अब इसमें मैं जो ऐड करूंगी वो है थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा सा मैदा, और हमें इसे मिक्स करके एक डो बनाना है। हम एकदम से सारा मैदा और कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये बाइंड कैसा हो रहा है, सूखा हो रहा है या गीला हो रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको इसका डो बनाएंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको चेक करने के लिए आप एक बार थोड़ा सा मिक्सचर लेके अपने हाथ पे बॉल सा बना के देखिए। अगर ये ठीक से बन जाता है इसका मतलब है ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। नहीं बनता, टूट रहा होता है या ज्यादा गीला हो रहा होता है, तो आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा जो डो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके गोले बना के इसे फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे हमने पैन जो है वो गैस पे रख दिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। हमें ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम ही गर्म रखना है। बहुत हाई एकदम जैसे धुआं निकलता है वैसा नहीं गर्म करना। और इसको इसमें हम अपने ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉल बना लिए हैं इसके, इसे मुझे फ्राई करना है। तो हम यहाँ पे एक एक करके डालते हैं इसमें। और हमें इसे बहुत तेज इसलिए नहीं करना क्योंकि ये फिर ऊपर से फ्राई हो जाएगा और अंदर से ये नहीं गलेगा, मतलब पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो हमें इसे अंदर तक पकाना है, पलट पलट के, और बिल्कुल क्रिस्पी करना है ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे मंचूरियन बॉल्स हैं वो फ्राई हो गए हैं बिल्कुल ब्राउन कलर में, बहुत ही सुंदर से, और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा साइड में करके कि तेल किनारे आ जाए, और हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम रेडी करेंगे मंचूरियन सॉस। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से गार्लिक जो है वो चॉप कर लिए हैं, कैप्सिकम काट लिया, टमाटो, और यहाँ पे प्याज। तो हम पहले इसमें ये गार्लिक फ्राई करेंगे, और ये हरी मिर्च कुछ 20-30 सेकेंड हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारे अनियन, इन्हें भी हमें 15-20 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है। इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, और ये हमने कैप्सिकम जो काटे हैं उनको ऐड करेंगे। हमें बस से 15 सेकंड फ्राई करना है, जब तक
तक ये हो रहे हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमें ऐड नहीं करना, क्योंकि हम सोया सॉस ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है, तो अपने हिसाब से देख के आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, मैं इसमें 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस डाल रही हूँ। एक चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। अगर आप और तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें और चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, कम तीखा खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं। और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 चम्मच। हमें इसे फ्राई कर लेना है ऐसे ही। थोड़ी देर इसे फ्राई करना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे कटोरी में कॉर्नफ्लावर ले लिया है, उसको पानी के साथ मैंने घोल लिया है। इसको अच्छे से घोल लीजिए और वो मुझे इसके साथ ऐड करना है। इसमें हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के इसको मिला लिया है। सॉस हमारी रेडी हो गई है। अगर आप ड्राई, बहुत ड्राई मंचूरियन चाहते हैं तो आप इसकी सॉस जो है वो मतलब ड्राई कर लीजिए, और अगर ज़्यादा थोड़ा ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ये मेरे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर रही हूँ और हमें इसे मिला लेते हैं। अच्छे से सारी सॉस जो है इसके ऊपर कोट हो जाए। और ये हमारा मंचूरियन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। गैस ऑफ कर दिया तो ये हमने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और इसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस के साथ आप गार्निश करिए। बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइज हमारा मंचूरियन जो है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको आप फ्राइड राइस के साथ खाइए, वेज नूडल्स के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है वेज मंचूरियन जो ये हमारा। तो गाइज आपको मेरे मंचूरियन की रेसिपी और वीडियो कैसा लगा हमें मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज जो हैं वो डालती रहूं और आपको अपडेट मिलता रहे। बाय बाय।